सुप्रभात, मैं धनंजय कुमार महतो वर्ग 9 और 10 के लिए वाक्य और उसके भेद के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये हिंदी व्याकरण में वाक्य और उसके भेद बहुत ही अहम चैप्टर है, तो आज मैं बताने जा रहा हूँ वाक्य किसे कहते हैं और उसके अंग, उसके पश्चात उसके भेद के वर्गीकरण के बारे में। वाक्य नियम के अनुसार सजाए गए सार्थक शब्दों का समूह। नियम के अनुसार सजाए गए सार्थक शब्दों का समूह जिसका कुछ अर्थ हो वाक्य कहते हैं। नियम कहने का तात्पर्य है कि हिंदी में वाक्य की बनावट जो होती है कर्ता कर्म क्रिया, तो नियम के अनुसार होना चाहिए। तो नियम के अनुसार सजाए गए सार्थक शब्दों का समूह जिसका कुछ अर्थ हो वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। उद्देश्य जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, और विधेय उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से मैं इसे स्पष्ट कर रहा हूँ। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है तो कौन पढ़ता है? तो राम। तो यहाँ राम के बारे में कहा जा रहा है, तो जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। तो इस वाक्य में राम उद्देश्य है, राम क्या कर रहा है? तो पुस्तक पढ़ रहा है, तो राम के बारे में कहा जा रहा है। उद्देश्य के बारे में कहा जा रहा है, तो पुस्तक पढ़ता है विधेय है। यानी कि जिसके बारे में कुछ कहा जाए उद्देश्य, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। तो राम पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में राम उद्देश्य है तथा पुस्तक पढ़ता है विधेय है। ये वाक्य दो अंग में आप मैं बताने जा रहा हूँ वाक्य का वर्गीकरण। वाक्य का भेद दो आधारों पर किया जाता है, एक रचना की दृष्टि से और दूसरा है अर्थ की दृष्टि से। तो रचना की दृष्टि से वाक्य तीन भेद होते हैं, सरल वाक्य या साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। अब अर्थ के आधार पर वाक्य के आठ भेद होते हैं, विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक और दिशन्यादि बोधक। ये हुआ रचना की दृष्टि से और ये हुआ अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद। आज मैं इसमें इतना ही बता रहा हूँ, अगले क्लास में मैं रचना की दृष्टि से वाक्य के जो भेद है इनको परिभाषित करूँगा और इसे समझाने का प्रयास करूँगा। इसके पश्चात अर्थ के आधार पर वाक्य जो भेद है इसके बारे में बताऊँगा। इतना ही, मैं आज का क्लास यहीं समाप्त करता हूँ।